चार प्रश्न लेकर आया जहां पे पर्यावरण अधिनियम और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख मुद्दे आपके साथ लाइव होगा। और जी हाँ, पर्यावरण से जुड़े हुए सभी तथ्यों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉप ऐसे 50 प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें पर्यावरण में मेला, भारत के रेल, अन्य सभी चीजों के बारे में, अन्य सभी तथ्यों के बारे में हम एक एक कर आपके साथ अध्ययन करेंगे। आप कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है जी हाँ, जितने लोग लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप लोग तैयार हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, कमेंट करके बताइए सभी साथी। ये यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, रीट, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस क्लास के अंत तक आप सभी को बने रहना होगा। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, जैसा कि हम और आप दोनों देख पा रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किसके द्वारा करती है। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज चाहे यूट्यूब पर, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर होगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ठीक, और पद्धति का प्रयोग, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा डी, अर्थात चौथा राइट आंसर होगा। देखिए पर्यावरण जो है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, इन सभी विषय वस्तु की पद्धति के रूप में प्रयोग की जाती है। पहला उत्तर एकदम सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे प्रमुख रूप से पर्यावरण दिवस दिया गया है, और एक ऐसे टॉपिक है जो आप सभी को पता होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जल्दी वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी साथी मित्रों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, माने नकारात्मक प्रश्न है। इसमें तीन सही है, तीन सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, यहाँ पर ध्यान देना होगा आप लोग को, 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16 सितंबर, यहाँ पे तंबाकू निषेध दिवस 5 मई नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यह आपका होगा 31 मई। जी हाँ, 31 मई, ठीक, क्या होगा 31 मई, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा 31 मई, इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, कर हर हर मैदान फतह, जल्दी बताइए आप लोग को, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा प्रश्न का उत्तर क्या है, कि विश्व की सर्वाधिक प्रभावित उष्णकटिबंधीय जलों में, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हमारा पृथ्वी हो गई, ग्लोब हो गया, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 23.5, ये हो गया 23.5, तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो पूरे, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात की जाए, पूरे ऑल ओवर पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर, जी हाँ पूरे ग्लोब पर, यहीं पर ही केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। कहां पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं, यहां से आप लोग ये जानते रहिएगा। दूसरा, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों में फैली। जी हाँ, एकदम सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संघ की परपोषण करती हैं, ये भी सही है। जिसको वीडियो साफ नहीं दिख रहा है, वो वीडियो के 3 डॉट पर क्लिक कर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो पूरी तरह से आपको HD में दिखाई देने लगेगा। चाहे आप इसे 360p पे देखें, चाहे आप 240p पे देखें, चाहे 720p पे देखें, ठीक है। इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी अपने से बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर इसका होगा, ये भी सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3 होगा। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अभी की बार एक सीट हमार पर्यावरण सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली जनसंख्या पर्यावरण का केंद्र स्थित है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। यह है IIPS मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर बसा है, जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का आप सभी जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसको छोटा दिखाया था थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं हम, आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत साफ दिख रहा है, मैं भी लाइव आपके साथ चला के बैठा हुआ हूं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। मैं आज माफी चाहता हूँ, लेट हो गया, एक मीटिंग में फंस गए थे,
बीसीएस सर के, इसीलिए थोड़ा सा देरी हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट शिक्षक होने के बाद मैं निःशुल्क अपने समय में से बचाकर आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जी है, इसलिए थोड़ी सी विलंब हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जी क्लास थोड़ी सी क्योंकि बीएसएस सर की मीटिंग है, कल उनका लाइव सेशन था, इसी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेट बैरियर रीफ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ, सुपर टेट जूनियर प्राइमरी के साथ साथ रीड एमपी टेट केबीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण। ठाकुर पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्यों धन्यवाद किया शायद आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप लोगों ने इलेनी पुद्रगेस की डीबी को अपना जगह दिया है, थैंक यू आप सभी का। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। इस प्रश्न का बहुत ही सरल उत्तर है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? जी हाँ, अमीर खुसरो का संबंध किस जिले से है? ठीक है, अमीर खुसरो का संबंध किस जिले से है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर देना होगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? अब आपको बताना होगा 2020 की थीम क्या थी। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कर हर हर मैदान फतेह, क्या करना है? कर हर हर मैदान फतेह उस सभी साथियों को। ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होगा। हम और आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ये वीडियो फेसबुक पर यूट्यूब पर दोनों पर निःशुल्क लाइव चल रहा है, और ये देश हित में राष्ट्र हित में। ठीक है, कर हर हर मैदान फतेह, तैयार है ना आप लोग? जब तैयार हैं तो भैया देर किस बात की, बेस्ट दीजिए अपना। कार्बन टैक्स लगाने की किसने घोषणा की, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए प्रश्न नंबर 17 का उत्तर होगा सिंगापुर। सिंगापुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, सिंगापुर की राजधानी क्या है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं ना, सभी लोग ध्यान से कमेंट करके बताएंगे कि सिंगापुर की राजधानी क्या है, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु मकान सड़क पूजा उपकरण सभी, क्या क्या आते हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारा होता है सांस्कृतिक पर्यावरण है और कौन कौन से पर्यावरण है, उन सभी पर्यावरण के बारे में आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। पेड़ पौधे जीव जंतु सही, नाते संस्कृति मैंने संस्कृति पर्यावरण, मकान सड़कें ये भी है। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी, माने पर्यावरण के अंदर ऑल ऑफ दी जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण होता है, मानवीय पर्यावरण होता है, जैविक मतलब पूरी तरह से संस्कृति कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, तो सभी प्रकार के पर्यावरण होते हैं। लेकिन हम पर्यावरण का मतलब केवल वायुमंडल के चारों तरफ गैसों के समूह से समझते हैं, जबकि कतई सही नहीं है, वो गलत है। इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा डी होगा। जी हाँ, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जी हाँ, ऐसे चुने हुए प्रश्न है जो घुमा फिरा कर आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। जी हाँ, इसके बाद अगली क्लास तुरंत होगी, फिर उसके बाद फिर अगली प्रश्न होगी। ठीक है, लगातार क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, क्योंकि जब मैं आ जाता हूँ तो मैं लगातार आपको पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हलवा टाइप का प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में लोग गलती, देखिए सभी जीवधारी प्रकृति से मिलते हैं, क्योंकि इसमें मानव निर्मित नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। भूआकृति कारक जैसे पर्वत पठार हिमालय मैदान, ये सब क्या है? गॉड गिफ्टेड है। जलवायु कारक, ठीक है, ये सभी क्या है? यहां पर हमने देखा कि आप इसका उत्तर ये सभी है। एक लोग प्रश्न आ रहे करंट की, तो करंट क्लास प्रतिदिन सुबह 6:30 पर चलती है, प्रतिदिन टॉप 20 करंट अफेयर सुबह 6:30 बजे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलता है दुर्गेश सर सर्च करके, उसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर उपलब्ध हो जाती है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऋणात्मक धनात्मक संज्ञानात्मक ऑल ऑफ दीज। देखिए मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है, कैसा है? एक धनात्मक संकल्पना है, यहां पर ये चारों नहीं होगा। ठीक है, ठीक, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
करंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 मार्च को दुर्गेश परीक्षा मैगजीन आपके लिए आ रही है, वो आप पढ़ लेंगे, उससे आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? एकदम हलवा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो भैया जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए भाई साहब, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहां पर कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो डीकम्पोज क्या होगा, ये प्लास्टिक, जलाओ तो दिक्कत, दफनाओ तो दिक्कत, ये दोनों तरह से पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। ठीक है यार, आपकी संख्या इतनी कम है, या पढ़ाने में कोई कमी है क्या? शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने लाइक तक नहीं किया, इससे स्पष्ट होता है कि आप लोग अपना व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं। चलिए अगला है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर मिश्रित गैस है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का जवाब आकाश जी मैंने दे दिया है, और आप फिर बार बार उसी प्रश्न को पूछ रहे हैं। देखिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? सरल सवाल है, जवाब भी सरल ही देना होगा आपको। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह SO2 होगा। क्या होगा? SO2 इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, SO2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने के बाद दिए गए सवाल का जवाब दीजिएगा। कमेंट का मतलब ये होता है कि प्रश्न का जवाब देना, ये परीक्षा हाल में बैठे हैं, ये समझिए। देखिए, ट्रोपोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, तो यहां पर याद रखिएगा, इस प्रश्न का बहुत ही गिना चुना सवाल आता है। ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान कम होता है क्षोभ मंडल में, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है क्षोभ मंडल में, लेकिन पूरे पृथ्वी का सबसे कम तापमान मध्य मंडल में होता है, लगभग मानो -100 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह बी होगा। ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ, जैसे 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आता है यहाँ, लेकिन यहाँ तक यह बात आप लोग जानते रहिएगा। इसके बाद की जो कड़ी है वो आपकी आयन मंडल है, जहाँ पर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण के द्वारा किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कि किसके द्वारा पर्यावरण का सृजन किया जा सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। बताइए सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता किसके लिए सृजन किया जा सकता है? इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। एकदम आसान प्रश्न का जवाब है, एकदम हलवा है, क्योंकि पर्यावरण के बारे में ठीक ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय भ्रमण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यार आज थोड़ी सी देरी हो गई तो आपकी संख्या कम हो गई। देखिए देरी का मतलब यह है, मैंने बताया ना कि BSS सर के यहाँ थोड़ा सा जरूरत काम पे फंस गए, वजह से थोड़ी सी देरी हो गई, तो मैं अपने समय में आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ अपने बचे हुए समय से, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी आप लोग इंतजार कर लिया करिए, 1-2 मिनट के लिए हो सकती है देरी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके भी, आप लोग, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस पर्व अगली बार इस साल के अगले त्यौहार में जब आप हों, आज के दिन आप अपने आप में एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका के रूप में हों, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है जल्दी से बताइए आप लोग, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक और बायोटिक घटक, माने जैविक और अजैविक घटक, माने जैविक और अजैविक घटक से, ठीक है, इनसे मिलकर। देखिए जिसको कोई प्रश्न या समस्या हो इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर पे मुझे मैसेज कर सकता है। ठीक, समझ में आप लोग को? जी हाँ, कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा।
ये क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई डाउट कोई समस्या तो नहीं है ना, अगर हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल आपके बीच है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइए सवाल क्लास के लास्ट में। बताइए सभी लोग कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए यहां पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंडा, सवाना, मरुस्थल क्या होगा? देखिए प्रश्न का जवाब क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहां पे मैंने एक बात बताया था आपको, ठीक है, एक बार ध्यान से देखिएगा सभी लोग जो लोग देख रहे वीडियो को। यहां पर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पास कितना कहां मिलता है, ये 0 डिग्री है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों को मिलाकर होता है, मैंने पढ़ाते समय बताया था, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है आपका 20.95 लगभग 21% और ये 78.08%, लगभग में बात किया जाए तो लगभग 99% इन दोनों गैसों को मिलाकर होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 20 का राइट आंसर है, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या, एकदम सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा अगर आपको पर्यावरण में बेहतर स्कोर करना है तब, सभी लोग, ठीक है। देखिए सभी लोग फटाफट जवाब जरूर दीजिएगा कि वायुमंडल सबसे, देखिए सबसे निचली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ये 0 से लेकर औसत मोटाई की बात करें तो 13 किलोमीटर तक है। वैसे ध्रुवों पर अगर ध्रुव की बात की जाए तो ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर है, अगर भूमध्य रेखा पर कहा जाए, भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई 18 किलोमीटर है, एवरेज हाइट इसकी 13 किलोमीटर है। तो ये सबसे पास का मंडल है, ठीक है, सबसे निचली मंडल है, पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं ना, बार बार प्रश्न आ रहा है बीटीसी डीएलएड अगर जूनियर पास है तो वह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पूरी तरह से इजबल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं घटती हैं, कोहरा पड़ना, बादल बनना, वर्षा होना, बिजली कड़कना, सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। देखिए ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर माने इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे मध्य मंडल कहते हैं, इसे आयन मंडल कहते हैं, ठीक। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें इसे समताप मंडल कहते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर बी राइट आंसर होगा, समताप मंडल होगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। क्या आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया, क्या आप सभी के प्रश्न सही हैं? जी हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद केवल इतना जवाब दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा या नहीं तथ्य, ठीक है। हम और आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला है आपका पर्यावरण शिक्षा समस्या समाधान विधि का गुण क्या है,
एकदम आराम से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या है, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग में दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर केवल क्लास से संबंधित ही जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा क्लास से पूरी तरह से फ्री निःशुल्क उपलब्ध है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है। देखिए यहाँ पे लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, इसलिए उपयुक्त विधियाँ, यहाँ क्या हो गया उपयुक्त विधि इस प्रश्न का होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है पर्यावरण, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण किसका समानार्थी माना जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। पर्यावरण को किसका समानार्थी माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए यहां पर यह प्रकृति का होगा, किसका होगा प्रकृति का, माने इस प्रश्न का सही जवाब है। यह टॉप 50 प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वातावरण किससे बना है, प्राकृतिक वातावरण किससे बना है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो प्रकृति की वातावरण है वो किससे बनी है, जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, हलवा वाला प्रश्न है जी। इसकी पीडीएफ और क्लास आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। देखिए धरातल है, प्राकृतिक वातावरण है, जलवायु प्राकृतिक वातावरण है, वायु और पानी प्रकृति है, हमने तो बनाया नहीं, आपने बनाया नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी सही जवाब है। माने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को अभी तक अगर आपने अंगूठा नहीं दबाया ना तो दबा दीजिएगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे, कोई बाद में देखेगा तो लगेगा हाँ दुर्गेश सर ने ठीक ठाक पढ़ाया है। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं। शेयर करने से मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन मेरा आत्मा ये कहता है अगर मैं अच्छे कंटेंट पढ़ाऊं तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। बस अगला प्रश्न है पर्यावरण का समग्र दृष्टिकोण क्या है, पर्यावरण का समग्र दृष्टिकोण क्या है, विश्व घर शहर कस्बा क्या होगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पर्यावरण का जो समग्र अध्ययन है वर्ल्ड से है, पूरे दुनिया से, विश्व से। सौरमंडल में कहां पर जीवन संभव है, सौरमंडल में कहां पर जीवन संभव है, जरा कमेंट करके बताइए। जल में, गगन में, पृथ्वी में, इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वी में। ये सारे हलवा वाले प्रश्न है। ठीक है, हाँ कठिनाई स्तर धीरे धीरे बढ़ रही है ना, हल्के प्रश्न को भी पढ़ना है, कड़े प्रश्न को भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब मेला, मेला आपके पाठ्यक्रम में है, जरा कमेंट करके बताइए कितने लोग को पता है कि मेला भी आपके सिलेबस में है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मेला पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेंगे, मेला भी आपके पाठ्यक्रम में है, यातायात भी आपके पाठ्यक्रम में है, चलिए मेला को पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सभी लोग यूपी टेट, रीट, शिक्षक भर्ती, लिखित परीक्षा, जूनियर प्राइमरी, सभी के लिए मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है, मेले का आयोजन करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, कमेंट्स में आपका जवाब देना है कि सबसे पहले कि मेला में सबसे पहला सर्वप्रथम क्या चाहिए। मेले का आयोजन करने के लिए पूंजी नहीं चाहिए, तैयारी, सबसे पहले योजना बनाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, योजना बनाना होगा। क्या बिना योजना के आप मेले का आयोजन कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, इसका सही जवाब है। कुछ लोग प्रश्न बड़े सरल हैं तो जरा कमेंट बताइए कहां से सरल हैं, आप लोगों ने तो गलत बता दिया कि मेला के लिए सबसे पहली बात जो है योजना का निर्माण करना, योजना बनाना है। हम और आगे बढ़ रहे हैं, यहां से यातायात और मेला यहां से शुरू कर रहे हैं हम, जो मेला भी आपके पाठ्यक्रम में है ना, और यात्रा ये भी है ना, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग आपके साथ अध्ययन करेंगे। अगला है आपके सामने मेले का शुभारंभ करने के लिए, यहां से जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मेले के शुभारंभ करने के लिए क्या चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कमेंट माने जवाब होता है आपका, मेले के शुभारंभ करने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, बताइए मेले का शुभारंभ, ये रिट के सिलेबस में है, ये एमपी टेट के सिलेबस में है, यूपी टेट के सिलेबस में है, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी दोनों के सिलेबस में है, यात्रा है। बताइए मुख्य अतिथि, मेले का शुभारंभ करने क्या चाहिए, एक कोई मुख्य अतिथि हो, दुकानों का आवंटन हो, मेला में शामिल होने वाले मुख्य लोगों का चयन हो, बिना उनके तो मेला हो ही नहीं सकता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को ना, ये मेले से जुड़े प्रश्न है, हो सकता है प्रश्न सरल हो, लेकिन अगर एक बार आपके दिमाग के सामने से, आंखों के सामने से गुजर जाएंगे तो भविष्य में ना यहां से कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होने हैं। अगला
पर्यावरण में मेला होना चाहिए, कैसा? वन्य जीव विलुप्त होते हैं, वन्य जीव ए बी दोनों का चार, इसमें से कोई नहीं। मेले में क्या होना चाहिए? जवाब जरूर आपका आना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो। मेले में, पर्यावरण मेले में क्या क्या होना चाहिए बताइए जब कमेंट करके। अब की बार एक सीट हमार, बताइए बताइए सभी लोग कमेंट करके। चलिए, वन्य जीव होने चाहिए, विलुप्त वन्य जीव मतलब ए और बी दोनों का चार्ट होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे? अब हम लोग सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर सी, मेला यातायात पाठ्यक्रम में है। हम आगे चल रहे हैं, अगला सवाल फिर आपके सामने है। निम्नलिखित पर्यावरण मेले में किसके दुष्परिणामों के ऊपर नाटिकाएं होनी चाहिए, किस पर नाटक होने चाहिए? जल्दी कमेंट बताइए, जवाब दीजिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग इतना सही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग को सरल लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए आपको सरल लगने का मतलब नहीं है। परीक्षा हाल में यही जज्बा यही जुनून रहना चाहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जी हाँ, लगा दीजिए जान अपना, अब नहीं तो कभी नहीं। देखिए, पर्यावरण मेले में किसके दुष्परिणाम के ऊपर होना चाहिए? देखिए, पेड़ी कटाई से पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए हमारे पर्यावरण मेले में होना चाहिए। अति चराई, ये ए और बी दोनों है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? सी सही जवाब होगा। मैंने इस प्रश्न का उत्तर हम सी लगाएंगे, तो सी वालों का जवाब क्या है? सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम है। ठीक है, अति चराई का मतलब होता है घोर चराई, ज्यादा चराई। अति माने यहां पे अति का होगा मतलब घोर, घोर का मतलब यहां पे ज्यादा, अति कर देना, बोलते अति कर दिए हैं। ठीक, अगला है, ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण मेले के आयोजन में छात्रों को कितने समूहों में बांटकर काम सौंप सकते हैं? छात्रों को कितने समूहों में बांटकर काम को सौंपा जा सकता है? बताइए, जवाब दीजिए। जी हाँ, कितने समूहों में बांटकर काम सौंपा जा सकता है? समूह पांच बना सकते हैं, सात समूह बना सकते हैं, नौ समूह बना सकते हैं, भैया सभी बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितने समूह बना सकते हैं, मतलब इसका उत्तर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। सरल लग रहा है ना? कुछ लोग कह रहे सर मेला नहीं पढ़ाया गया, मेला कैसे आएगा? तो मेले के प्रश्न ऐसे आते हैं। हाँ, मेला ऐसे आता है। चलिए आगे देखते हैं, छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार करना चाहिए? छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को इन लर्निंग विद दुर्गेश पर निशुल्क लाइव देख रहे हैं। देखिए, छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? नेता, चपरासी, क्लर्क, किसके अनुसार? देखिए बताइए जल्दी से, मेले के किसके अनुसार होने चाहिए? देखिए, यहां पर छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार? नेता के अनुसार होने चाहिए, चपरासी के अनुसार होने चाहिए, क्लर्क के अनुसार होना चाहिए, या उपयुक्त सभी? देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि छात्रों को मेले के लिए कार्य जो होता है किसके लिए होता है, पता है किसके अनुसार होना चाहिए? तो यहां पर नेता होगा, नेता के अनुसार होना चाहिए, चपरासी के अनुसार नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी नहीं होगा, अर्थात इसका उत्तर ए होगा, चपरासी के अनुसार मेला नहीं होता। ठीक है, चलिए हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, देखिए नेता का मतलब क्या? ऊपर देखा ना, हम लोग उद्घाटन कराते हैं, मुख्य अतिथि बनाते हैं, जैसे विज्ञान मेला में विज्ञान मेला होता है ना। चलिए हम और आगे चलते हैं, अगला, संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको दी जानी चाहिए? संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए बताइए जल्दी से। देखिए, यहां पर क्या होगा? शासन को नहीं दे सकते हैं, दुकानदार को नहीं दे सकते, पुलिस या प्रशिक्षक, यहां पर होगा प्रशिक्षकों को संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है,
मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार से दायित्व का आवंटन करना चाहिए? मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्व का आवंटन करना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट करके आपको दिए गए प्रश्न का जवाब देना होगा। बताइए जल्दी से। एक समूह को मेले के लिए स्थान का चुनाव करने के लिए, एक समूह को मेले का स्थान की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, एक समूह टिकटों की व्यवस्था बिक्री करने के लिए, अर्थात इस प्रश्न का क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, उपयुक्त सभी होगा, अर्थात इस प्रश्न का डी राइट आंसर है। यार एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच जाए। आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, इसका मतलब यही है कि बस आप अपना हित देख रहे हैं और लोगों का हित नहीं देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके हित देखने के लिए मैं अपने बचे हुए समय से आपको पढ़ा रहा हूँ। इतनी तो लोगों तक मदद करिए, कर भला तो हो भला, क्योंकि आपकी एक मदद राष्ट्रहित में किसी माँ बाप के उम्मीदों को पूरा कर सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए पुष्कर मेला का संबंध किससे है? चलिए जवाब दीजिएगा, एकदम आसान है। अब यहां से हम लोग यातायात पढ़ेंगे, मेला खत्म, हम यहीं से यातायात या यात्रा ये दो टॉपिक और पढ़ेंगे। देखिए यहां पर इस प्रश्न का होगा अजमेर कहां पर है, कमेंट करके बताइएगा अजमेर किस राज्य में है। अब हम यहां से यातायात पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या आप लोग तैयार हैं यातायात के लिए? चलिए, देश में मौजूदा यातायात व्यवस्था कैसी है? देश में अगर बात की जाए तो भारत की बात हो रही है, भारत में मौजूदा यातायात व्यवस्था कैसी है? जल्दी जवाब देना है आपको, कैसा है? रेल है, सड़क है, जहाजरानी भी है, हवाई परिवहन भी है, मतलब इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। कितना आसान प्रश्न है, ऑल ऑफ दीज होगा, माने यहाँ पे हमारे यहाँ सभी प्रकार के मेले यातायात व्यवस्था है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में रेल किसका प्रमुख साधन है? रेल किसका प्रमुख साधन है, बताइए जल्दी से, सवाल का जवाब दीजिएगा कि रेल किसका प्रमुख साधन है? चाहे रेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की या सुपर टेट की, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, बताइए जल्दी। देखिए माल भाड़ा यात्रियों के लिए, मतलब इस प्रश्न का उत्तर होगा ए और बी दोनों के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए? ए और बी दोनों के लिए, गरीबों के लिए तो नहीं होता, ठीक है, वो माल भाड़ा और यात्रियों के लिए। अगला है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में रेल यातायात किसको संभव बनाता है? जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा, भारत में जो रेल यातायात है ये किसको संभव बनाता है? बताइए जल्दी कमेंट करके। देखिए भारत में रेल यातायात किसको संभव बनाता है, अब आप लोग जवाब ही नहीं देते, बताइए। अब कहेंगे सर आप आ नहीं रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप लोग, किसको संभव बनाता है? मालिक, व्यापार को, सैर सपाटा को, तीर्थयात्रा को, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, सभी को। अगला है, रेल यातायात देश के आर्थिक जीवन के संबंध है, यह किसके विकास को तेज करने में सहायता करती है? बताइए किसके विकास में सहायता करती है? उद्योग में, कृषि में, ए और बी दोनों में, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक, अगला आपके सामने छोटा सा अगला प्रश्न आ चुका है, पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कितने किलोमीटर चली थी? जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए जल्दी कमेंट करिए। सभी क्लास के लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके इन लर्निंग पे दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। ये 35 किलोमीटर वैसे 34 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, रेलवे वित्त कब सामान्य राजस्व पृथक हुआ, सामान्य राजस्व कब अलग हुआ? जी हाँ, वो 1924-25 में, कब? 1924-25 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अगला है आपके सामने, रेलवे किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? रेलवे ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है?
फेसबुक पर भी है, ट्विटर पर भी है, यूट्यूब पर भी है, ऑल ऑफ दीज है। अगला है आपके सामने, किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, किस रूप में बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, जो लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह यातायात के लिए होगा। सड़क देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार महत्वपूर्ण यातायात के रूप में, किस रूप में यातायात के रूप में सुलभ बना रहे हैं। अगला, सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? हमने बताया यात्रा भी आपके में है, मेला भी है, पर्यावरण प्रमुख संगठन भी है, बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 1960 होगा। भारतीय राजमार्ग अभियंता की स्थापना कब की गई बताइए? 1983 में। कब? 1983 में। चलिए अगला है, सेतु भारतम विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सेतु भारतम कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो सेतु भारतम कब से शुरू किया गया बताइए? 2016 से। भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब की गई बताइए? 1961 में। ये सारे दिवस लिख लीजिएगा, ये परीक्षा में अगर पूछे जाएंगे इसका एग्जैक्ट उत्तर आपको पता कर पाएंगे, नहीं तो आपके यहां से प्रश्न गलत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? पारादीप बंदरगाह कहां पर है बताइए? पारादीप बंदरगाह कहां पर है? पारादीप बंदरगाह की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पोत परिवहन क्षेत्र। कौन? पोत परिवहन क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग क्या है? नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग क्या है सभी लोग बताइए? यहाँ पे इस प्रश्न का ध्यान से देखिएगा, नियामक है, ढांचागत है, परिचालन है, इसका उपयुक्त डी सही होगा। हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है? हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है? ठीक, हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है? सार्वजनिक, निजी, किसमें है? तो आप लोगों ने एकदम सही बताया, जी हाँ, सार्वजनिक भी निजी भी, इसका मतलब ए और बी दोनों, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, शेष प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अब आज का आखिरी प्रश्न भी है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सभी ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध में ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, आप चाहें तो इस पर बात करके जानकारी ले सकते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, रिट, सभी जानकारी मेरे द्वारा क्लास से पूरी तरह से फ्री चलती है, निःशुल्क, देशित में, राष्ट्र में। अन्य शिक्षकों क्लास से नोट्स के लिए आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। यह क्लास शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक प्रतिदिन लाइव चलती है। ठीक है, नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन का मतलब होता है हवाई जहाज, जहां पे नागरिक उड्डयन माने जो आम लोगों के लिए उड़ने के लिए जहाज होते हैं उसे नागरिक उड्डयन के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जवाब होगा 1995, इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आप लोग कितने लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं, डेली टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। एक प्रश्न आ रहा है कि सुपर टेट कितने में, सुपर टेट वाली क्लास में कितने फंसे? देखिए मुनेश्वर जी का सवाल आया कि सुपर टेट से कितने फंसे थे, 30 नंबर का सामान्य अध्ययन और जीएस था, 22 प्रश्न आपके आए थे, वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ी होगी और आपके पास पेपर होगा, जाके मिला लीजिएगा। जी हाँ, आखिरी 6 दिन के, आखिरी 6 दिन के पेपर से जो हमने करंट जीएस कराए थे 22 प्रश्न आए थे, वीडियो भी यूट्यूब पर पड़े होंगे और आपके पास पेपर भी होगा,
ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। किसी ने पूछा सर पिछली बार कितने क्वेश्चन फंसे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कुछ मिनट के बाद, कुछ ही मिनट के बाद फिर से अगली क्लास होगी, तो ध्यान रखिएगा, जुड़े रहिएगा इलर्निंग विद दुर्गेश पर, टेलीग्राम पर सभी जुड़े रहिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कुछ देर के बाद फिर अगली क्लास मिलेगी जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश। किसी भी प्रश्न के लिए व्यक्तिगत हमारे इंस्टाग्राम इलर्निंग विद दुर्गेश जायसवाल पर या दुर्गेश सर पर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, कुछ देर के बाद फिर आपके बीच लाइव आते हैं।